बाबू जंडेल ने भरे मंच से दिया बयान कि इस बार बीजेपी को हराना है, यदि कांग्रेस नहीं जीती तो अपना सर मुंडवा कर मुंह काला करवा लूंगा। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस के श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने फिर मंत्री रामनिवास रावत को भगोड़ा बताया और उन्हें हराने की बात कही। साथ ही कहा कि यदि इस बार कांग्रेस नहीं जीती तो मैं अपना मुंह मुंडवा कर मुंह काला कर लूंगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं अब चुनाव तक अपने बोरिया बिस्तर उठाकर कराल ही रहने आ रहा हूँ। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 15 दिन पूरे भयो खायो घी और खांड, जैसा धन वैसा गया तू भगोड़ा और मैं भांड। तो भाई आप रावतों की बात कर रहे हो, राव समाज का मैं हूँ और मैं कल वीरपुर से चल रहा हूँ, रावतों का गाँव में रात रुका हूँ। 25% और 30% रावत जो बाबू जंडेल की कंपनी के हैं, मंच के दो, विचारधारा के दो, कंपनी के दो, जो जंडेल की कंपनी है वो 30% रावत भी कांग्रेस में वोट करेंगे, क्योंकि उनकी भी नाक कट गई, उनकी भी नाक कट गई कि हमने तो इसको नेता समझा, ये तो थानादार समझाता हमने तो, पर ये तो चोर निकला तो साथ नहीं। तो भाइयों समय कम है और हमारे वक्ता बोलेंगे, और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि आज रात में मेरे घर पे जाऊंगा, सूटकेस भर के कपड़ा लाऊंगा, 28 तक मेरा संकल्प आपका क्षेत्र में है। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके, और ये समझ लूंगा कि आपका युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, छत्री मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। ये कांग्रेस रही या बीजेपी की रही, वन विभाग का मंत्री आदिवासी बनता आया है, हमारे कांग्रेस में भी हमारे प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार जी वन मंत्री थे, और बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी आदिवासी वन मंत्री था सोलंकी के नाम, मान्य सोलंकी जी। आदिवासियों का अधिकार को छीन के एक भगोड़ा को मंत्री बना दिया। विधायक जी अभी आपने भाषण दिए थे और आपने एक वादा किया है कि ये वैसे तो जीतने वाली है कांग्रेस, यदि हार गई तो मुकाबला कर लेंगे, क्या ये होगा? देखो मैं जो कहता हूँ, मैं कोई भाषण नहीं देता हूँ, मैं मेरे दिल की बात कहता हूँ, हकीकत बात करता हूँ। अगर जो मैंने भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस हार गई तो मैं मेरा सिर का बाल कटा के मुँह को काला करके विजयपुर क्षेत्र में घूमूंगा, ये जो कहा वो करूंगा। क्या लग रहा है किस तरह जीत होने वाली है? जीत हमारी अच्छी होगी, कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। शासन चुनाव लड़ेगा, कलेक्टर बदल दिए गए हैं, आपने पता ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनमत से सरकार बनती है, और ये लोकतंत्र जनता से कोई बड़ा नहीं होता है, जनता की सरकार होती है, मुख्यमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री जनता का होता है। आज हमारे क्षेत्र में चुनाव में बार बार मुख्यमंत्री जी आ रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूँ। कराल ब्लॉक में लाइट की स्थिति देखो, शिक्षा की देखो, गाय की स्थिति देखो, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह भटक रही है, युवाओं को बेरोजगारी है, पुलिस रात दिन या डकैती मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही है, पुलिस मिली हुई है, रेत का मामला, जब मेरी सरकार थी, जब मैं रेत को श्योपुर में 1500 की ट्रॉली बिकाता था, आज वो ट्रॉली 12,000 में बिक रही है, तो कोई रेट की रेट थोड़ी, ये भ्रष्टाचार की रेट है। यहाँ का कलेक्टर भी अच्छा काम कर रहा था, अभी चुनाव के टाइम में क्या ज़रूरत पड़ी, जो कलेक्टर को दो दो महीनों में बदल रहे हैं, एक साल में दो दो कलेक्टर क्या ज़रूरत पड़ रही, जब कलेक्टर रहेगा 6 महीना में तो उसको अनुभव होता है जिलाओं का, कहाँ विकास की ज़रूरत है क्या, जिस पहले तो उसको बदल दिया जाता है। तो ये भाजपा सरकार में सरेआम भ्रष्टाचार है, और ये जनता का ही धन है, जनता के लिए कानून बनता है, जनता के लिए योजना बनती है, पर ये भ्रष्टाचार भाजपा में जो है वो उनका ये सोच है कि हम पैसे कमा लेते हैं और पैसे के बलबूता पे हम सरकार बना लेते हैं। तो ये
पैसे बांटे जाएंगे, क्या बट जाने देंगे आप पैसे? नजर नहीं रहेगी इस वक्त। अब पैसे उनका नंबर दो का धन है, हम तो जनता से कह रहे हैं कि दीपावली आ रही है, आराम से पैसे ले ओ। ये पैसे इनका रामनिवास जी का थोड़ा है, ये तो भ्रष्टाचारी का पैसा है, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई डकैत रहता है, उससे कोई डकैती कर लेता, वो डकैत नहीं है, वो तो महापुरुष है। आपने उन्हें भगोड़ा भी बताया कि भगोड़ा है वो? भगोड़ा जो पार्टी छोड़ के जिस जनता ने, विजयपुर की जनता ने जनमत देखे, 18,000 से MLA बनाया, 6-6 बार MLA बनाया, उस जनता को और संविधान को धोखा दिया, तो भगोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या महापुरुष कहेंगे? अभी तक जनता की कोई लड़ाई नहीं लड़े। कोई जब समस्या आती है चोरी डकैती किसी भी चीज़ की, अत्याचार की, कभी आप बता दो मुझे किसी ऑफिस में देखा हो, जनता के साथ देखा हो। आज कोई बात आती है, मैं कलेक्ट्रेट पे खड़ा रहता हूँ, चाहे वो विजयपुर क्षेत्र का हो या कराल का हो या श्योपुर का हो, हर आवाज़ में उठाता हूँ। ये बात सही है बिल्कुल। आप कह रहे हो कराल में ही आने वाला हूँ मैं एक महीने के लिए। मैं मुझे ये कराल पूरा मध्य प्रदेश से सबसे अच्छा कराल दीका है, और मेरा मन है कि मैं भी यहीं बसूँ।